तो अभी हम पहुंचे हैं राजीव गांधी स्पोर्ट्स पार्क, ये वहां से एंट्रेंस है और आप ऑटो लेकर वहां से ऐसे अंदर आ सकते हैं। आने के बाद वहां पे आगे एक टिकट काउंटर है जहां पे अगर आप चाहो तो पैरा सेलिंग वगैरह के लिए टिकट्स ले सकते हो। ये जो है ये है चिल्ड्रंस ट्रैफिक पार्क और यहां पे इधर एक काउंटर है, यहां से अगर आपको रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड जाना है तो वहाँ के लिए आप टिकट्स ले सकते हो। मैंने काफ़ी व्लॉग्स देखे थे आने से पहले, तो उसके अंदर मेंशन था कि आप बहुत अच्छे से इसमें काफ़ी डिस्काउंट ले सकते हो और हैगल कर सकते हो, बट आई थिंक अब पोस्ट कोविड टाइम है तो ये सब ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। और इन्होंने चार्ज करा है अराउंड 800 रुपीज़ पर पर्सन फॉर वन पर्सन, एंड दैट इंक्लूड्स रॉस आइलैंड एंड नॉर्थ बे आइलैंड टू एंड फ्रो, जाना और आना मिलाकर इतना, और आपको सेम ही बोट लेके जाएगी उसके अंदर। तो अभी हम यहाँ पे कहीं खड़े हैं और वहीं पे वहाँ हमारे गाइड हैं, वो अभी हमें ब्रीफ करेंगे, फिर यहाँ से हम वहाँ आगे तक चलकर उधर जेटी तक जाएंगे और वहाँ से हम जो है अपनी 10 सीटर बोट में बैठेंगे। तो अब मैं अपने गाइड के पास जा रही हूँ और ये जो है हमको अब थोड़ा ब्रीफ करेंगे इसके बारे में। हेलो साजी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो है यहाँ से आपका दो आइलैंड का टूर है, दो आइलैंड का टूर होता है यहाँ से, पहला होगा रॉस आइलैंड, दूसरा होगा नॉर्थ बे आइलैंड। अच्छा, तो रॉस आइलैंड जो है एक हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ पे आपको देखने के लिए जैपनीज टाइम के बंकर, स्टैंड स्विमिंग पूल, चर्च, हेडक्वार्टर्स, बेकरीज, ग्रेवियर्ड्स वगैरह है। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या है, आपको पूरा जो है एक घंटा का टाइम मिलेगा, बाई वॉक घूम सकते हैं, अगर बाई वॉक कम्फर्टेबल नहीं है। अच्छा, बैटरी व्हीकल्स चलता है जो कि 80 रुपीज़ चार्ज करेगा, वो आपको 30 to 45 मिनट्स में पूरा आइलैंड कवर करेगा, जहाँ से आपको पिक किया है वहीं पर ड्रॉप कर देगा। अच्छा, आपको जो सामने जो आइलैंड दिख रहा है उसका नाम है रॉस आइलैंड, ये आइलैंड रॉस आइलैंड। यस यस, वो जो आइलैंड दिख रहा है रॉस आइलैंड है। अच्छा, जब यहाँ ब्रिटिश का टाइम था तो उनका कैपिटल था रॉस आइलैंड, तो वहाँ पे आपको उनके मॉन्यूमेंट्स जो है देखने को मिलेगा। अच्छा, जैपनीज टाइम के बंकर, स्टैंड स्विमिंग पूल, चर्च, हेडक्वार्टर्स, बेकरीज, ग्रेवियर्ड्स वगैरह मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे एनिमल्स भी है, पिकॉक, रैबिट और डियर। अच्छा, उनको जो है फीड नहीं करना और हार्म नहीं करना। अच्छा, साथ में आपके फ्रेंडली रहेंगे, वो अगल बगल घूम रहे होंगे रॉस आइलैंड में, फोटोग्राफीज वोटोग्राफीज कर सकते हो। अच्छा, एक घंटा का टाइम मिलेगा, बाई वॉक घूम सकते हैं, बाई वॉक कम्फर्टेबल नहीं है तो बैटरी व्हीकल्स यूज करिए। अच्छा अच्छा, इसके बाद सेकंड जो आइलैंड है उसका नाम होगा नॉर्थ बे आइलैंड। अच्छा, अब नॉर्थ बे आइलैंड जो है फेमस है अपनी अंडर वाटर कोरल रीफ के लिए। अच्छा अच्छा, आपने पहले कभी देखा है नॉर्थ बे आइलैंड? नॉर्थ बे आइलैंड तो पहले नहीं देखा, बट मैंने इसका नोट देखा है, आपने इंडियन करेंसी 20 रुपए का नोट, उसके ऊपर वो एक फ्लावर होता है रेड कलर का है। हाँ, वो जो आइलैंड है नॉर्थ बे आइलैंड। अच्छा अच्छा, तो आपको तो ब्रीफिंग हमने ले ली थी और ब्रीफिंग लेने के बाद नाउ वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स आर बोट पॉइंट, जहाँ से हम जो है अपनी बोट में बैठेंगे। तो हर बोट का एक अपना नाम होता है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड पे जाते हैं तो आपको सेम बोट पे ही वापस आना होता है, और उसके लिए वो आपको आपके बोट के नाम से ही पुकारते हैं। तो मेरी वो जो बोट है उसका नाम है सी सफारी वन, तो इसका मतलब वो जब बोलेंगे सी सफारी वन, मेरे को तब जाना होगा वापस। ये है वाटर पार्क, यहाँ वो वाटर पार्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारी बोट जो है आ गई है सी सफारी वन, और भैया सबको एक एक लाइफ जैकेट दे रहे हैं। अभी डाल लिया है पूरा का पूरा लाइफ जैकेट, और हमारी जो बोट है सी सफारी वन वो आ गई है नीचे। तो ये है आर्डीन जेटी, यहाँ से अभी हम निकल गए हैं और बोट के अंदर बैठ चुके हैं। हम पहुंच गए हैं रॉस आइलैंड पे, और इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप भी कहते हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया। यहाँ जापानीज बंकर्स हैं जो देखने के लिए मिलते हैं, जो हमको पहले हमारे गाइड ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। तो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे यहाँ पे जापानीज ने ऑलमोस्ट 3 साल के लिए ऑक्यूपाई कर लिया था इसको। तो ये देखिए,
तो रॉस आइलैंड में यहाँ एक एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ की, तो यहाँ से आप टिकट जो है ले सकते हैं। देखिए इस पे लिखा है 2 पर्सन, और अभी 10:20 हो रहे हैं, 11:15 तक हमको वापस जाना है। टिकट लेके हम बाहर आ गए थे, और यहाँ से आप एक बैटरी रिक्शा कर सकते हैं, तो ओनली 80 रुपीज़ पर पर्सन। और आप देख सकते हैं यहाँ कितने सारे डियर्स हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे डियर्स हैं, रैबिट्स हैं और पीकॉक्स भी हैं, तो ये ऐसे ही आ जाते हैं। बट बहुत अच्छी तरीके से किया गया है, क्योंकि वो डियर ऐसे नॉर्मल लोगों के बीच में ही घूमते हैं, एज इफ दे आर यूज्ड टू इट। और ये आपका आइलैंड का हाईएस्ट पीक है। अच्छा, उन्होंने ये हाईएस्ट पॉइंट जो है पूरे आइलैंड का, वहाँ पे इन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया है, और ये अराउंड 200 मीटर्स अबव है द सी लेवल। उसके बाद यहाँ से हमें उन्होंने बोला है कि नीचे एक लाइट हाउस है जहाँ हम चलकर जा सकते हैं और वापस हम आएंगे। और यहाँ पे भी बोट की तरह एक कार नंबर है, तो हमारा गाड़ी नंबर जो है वो 5 है, अकॉर्डिंगली हम उसी में बैठ। एक टूरिस्ट का बैग के अंदर कुछ था खाने का, तो डियर पूरा का पूरा बैग ही खींच के ले गया। थैंक यू। यहाँ सी के जो कलर्स हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में, एक ग्रीनिश ह्यू है, उसके बाद ब्लू, फिर पीछे डार्क ब्लू, एग्जैक्टली जैसे मैं अपना ओशन आर्ट जो बनाती हूँ रेजिन के साथ, ऑलमोस्ट वैसा ही दिख रहा है। सीगल्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे सीगल्स, और यहाँ पे अगर आप देखो तो डेप्थ ज़्यादा नहीं है, और लिटरली आपको फिश भी नज़र आएगा इसके अंदर। वो देखो वो ब्लू कलर का फिश है ना, कितना सुंदर है, वाओ वाओ, एकदम बिल्कुल पेस्टल ब्लू कलर का फिश है।
और यहाँ पे काफ़ी सारे रॉक्स हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे, कितनी सारी फिश है। का व्यू है रॉस आइलैंड पे, एक साइड है ये और बीच में ब्रिज है, और ये दूसरे साइड का व्यू है, और यहाँ काफ़ी सारे रॉक्स हैं जो वॉल्केनिक रॉक्स टाइप के लग रहे हैं। यहाँ पे इनके आसपास बहुत सारी फिश है, और यहाँ एकदम ग्रीन कलर का है जो नीचे का जो सी बेड लग रहा है। जो है लाइट हाउस उस पे, तो इसके आगे है लाइट हाउस वहाँ पे, और यहाँ एक स्टैचू है, और यहाँ लिखा है सम वर्ड्स अबाउट यू नो द लोन सेलर। और इसके आगे का जो है एरिया, यहाँ से आप जो है लाइट हाउस तक जा सकते हैं प्रॉबेबली स्विम करके। यहाँ कोई हमारा तो रास्ता है नहीं, हम तो शायद जाना अलाउड भी नहीं है, तो व्हाट आई सपोज कोई बोट आती होगी वहाँ से रास्ता होगा रिपेयर वगैरह का बट। और यहाँ पे अगर आप देखो तो पूरी की पूरी एक रॉक्स की लाइन है। यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं है। ओके सर, आई विल सी यू सर, बाय सर। जाने का बिल्कुल मन नहीं है, एंड आई एम वेरी श्योर हम बहुत लेट भी हो चुके हैं इसी चक्कर के अंदर। देखिए जो एंकर है वो बनाया, और यहाँ लिखा है लोन सेलर साइलेंट सेंटिनल ऑफ द सी। ये देखो, ये आई थिंक ये क्या कैनन कहते हैं ना इसको, शायद यही है, यहाँ पर रखी हुई है। और हमारा रॉस आइलैंड जो है कंप्लीट हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ रॉस आइलैंड, जो मेन जो था जहाँ से हम बोट पे उतरे थे। तो यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह है, यहाँ पे ये आई थिंक नेवी का ही INS जारवा का, यहाँ से अगर आपको कुछ मोमेंट वो लेने मोमेंटोज या सुवेनियर्स ले सकते हैं। फिर यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक जगह है, और यहाँ पे बहुत सारे डियर्स हैं, बहुत सुंदर है यहाँ पे। बहुत ही प्यारा है। तो हिरण को प्यार करने के बाद हम वापस निकल रहे हैं यहाँ से। और एक चीज़ जो हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको नहीं दिखाई थी, वो था ये जापनीज़ बंकर, जिसके अंदर से वो छुप के बाहर निगरानी रखते थे और फायरिंग भी करते थे। फिर काफ़ी हाई ऊंची है इसका, और यहाँ से ऊप्स बहुत ही नीचे है ये, लिटरली मैं तो खड़ी भी नहीं हो सकती। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, तो आई थिंक ये बाहर का जो बाउंड्री है पहले नहीं था, अब बनाया होगा। और ये ऐसा है, यहाँ पे एक ऊपर एक स्पेस सा है, वेंट सा है, और ये बाहर, माय गॉड। तो क्रूज भी वापस आ गए इधर एक, और अब हम जो है अपनी बोट की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं वापस जाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, एंड आई विल सी यू गाइज इन द अपकमिंग वीडियो। बाय बाय।